हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांत मैथमेटिक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक, जो कि मॉडरेट लेवल को होंगे। और ये सेशन मेनली SBI PO 2019 के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के और कुछ टफ लेवल के भी होंगे। आज इसका पहला सेशन है और ये सेशन अब एक दिन के अल्टरनेट पे हमेशा चलेगा, जब तक SBI PO का एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, दो पाइप एक हॉज को क्रमशः 14 तथा 16 घंटों में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तथा यह ज्ञात होता है कि हॉज के आधार में एक छिद्र है, जिसके कारण हॉज को भरने में 32 मिनट का अधिक समय लगता है। जब हॉज पूरा भरा होता है तो ज्ञात कीजिए छिद्र कितने समय में हॉज को खाली करेगा। ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं और ऐसे क्वेश्चन SBI PO में हमेशा पूछे जाते हैं अर्थमेटिक के सेक्शन में। तो इसे कैसे बनाएं बेहतर अप्रोच से, उस पर बात करेंगे हम लोग। मानते हैं पहला पाइप एक्स है जो कि 14 घंटों में भरता है, दूसरा पाइप वाई है जो कि 16 घंटों में भरता है। इन दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे जो कि 112 आने वाला है। और 112 में पहले हम 14 से डिवाइड करेंगे, फिर 16 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ये डिनोट करता है टोटल वॉल्यूम को, कैपेसिटी ऑफ पाइप एक्स, और ये हुआ कैपेसिटी ऑफ पाइप वाई। और ये कहां से आया है तो एक फॉर्मूला है, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई टाइम। इन टर्म्स ऑफ पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न के टर्म में हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं, कैपेसिटी बराबर वॉल्यूम बाई टाइम, और टाइम एंड वर्क के टर्म में होता है कैपेसिटी बराबर वर्क बाई टाइम। तो इस वजह से यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब एक और पाइप है जेड, ठीक है, जो कि इसको खाली करता है, कब, जब तीनों को खुला रहता है तब, और ये इनको लगता है टोटल टाइम 32 मिनट अधिक। तो ये दोनों कितने समय में भर सकते हैं, ये दोनों भर सकते हैं 112, जो कि टोटल वर्क है, उसमें हम डिवाइड करेंगे 15 से। तो ये टाइम आ जाएगा जितने समय में एक्स और वाई मिलकर इस टंकी को भरेंगे। और जब एक खाली करने वाला पाइप जेड आ जाता है तब इनको 32 मिनट अधिक लगते हैं भरने में। इसको 32 बना लेंगे, 32 बाई 60, मतलब 32/60 हो गया इन टर्म्स ऑफ आवर, आवर के टर्म्स में। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 112/15 + 8/15 = 120/15 = 8 hours। मतलब तीनों पाइप जब x और y भरेगा और z उसको खाली करता रहेगा तब ये टंकी 8 घंटे में भरेगा। अब इन तीनों का टोटल कैपेसिटी निकालेंगे, सॉरी टोटल कैपेसिटी नहीं, अब इन तीनों का कैपेसिटी निकालेंगे। जब दो पाइप खुले हो और तीसरा उसको खाली कर रहे हो, दो पाइप भर रहे हो तीसरा खाली कर रहे हो, तो ये 8 घंटा में भरता है। तो भाई फॉर्मूला कैपेसिटी बाई बराबर वर्क बाई टाइम, इनका कंबाइंड कैपेसिटी होगा 14। क्लियर है? अब फॉर्म अबाउट हम क्या पा रहे हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का कैपेसिटी कितना है, 14 है। और एक्स प्लस वाई का कैपेसिटी कितना है, 8 + 7 = 15। क्लियर? तो इस दोनों इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से और दूसरे इक्वेशन से, जेड का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है। और ये खाली कर रहा है टंकी को, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि ये इसको टंकी को खाली कर रहा है। अब बढ़ेंगे दूसरे स्लाइड की तरफ, नहीं कुछ यहाँ पे कुछ डिलीट कर लेते हैं ताकि कुछ जगह बच जाए लिखने के लिए। अब इसी फॉर्मूले से, कैपेसिटी बराबर वर्क बाई टाइम से, हम लोग फाइंड करेंगे कि ये जो तीसरा पाइप है जो कि खाली करता है
वह टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। तो टंकी का टोटल वॉल्यूम कितना है, 112 है, और जो खाली करा उसका कैपेसिटी कितना है, -1 है। इसका मतलब -112 आवर्स है, माइनस करने का मतलब ये टंकी को खाली कर रहा है, इसलिए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 112 आवर्स। यही इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है, यदि वह अपने सामान्य चाल के 1/15 भाग की कमी करता हो, मतलब अपने सामान्य चाल में उसके चाल का जो जितना है उसमें से 1/15 भाग की कमी करता हो, वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम चलता है, व्यक्ति की चाल प्रति घंटे में बताएं। क्वेश्चन है, टोटल टाइम जर्नी का 30 घंटा है, लेट मानते हैं हिज इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू एक्स आवर्स। आफ्टर जब वह अपने गति में 1/15 भाग की कमी करेगा तो यह कितना बनेगा, x माइनस एक्स बाई 15 इज इक्वल टू 14x/15। क्लियर। अब यहां पे दो स्थिति बन रही है, ठीक है। पहली स्थिति में स्पीड कितना है, उसका इनिशियल स्पीड x है, और दूसरी स्थिति में जब कम करता है तो ये 14x/15 आता है। हम इसका रेशियो यहां फाइंड कर रहे हैं, इसको हम x को ऐसे कैंसिल करेंगे और दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो है इनका 15:14 आने वाला है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ठीक है, जब उनका स्पीड कमेगा तो डिस्टेंस कैसे कमेगा ये देख लीजिए। फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, उतने ही समय में कहा जा रहा है, उतने ही समय में दोनों स्थिति में टाइम समान रहेगा, मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, ठीक है, इसलिए स्पीड और डिस्टेंस दोनों का जो रेशियो है वो समान होगा, ठीक है। पहली स्थिति में वो 15 यूनिट चलता है और दूसरी स्थिति में वो 14 यूनिट चलता है, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितने के इक्विवेलेंट है, 10 किलोमीटर के कहा जा रहा है। बाकी कमी करता है तो उतने ही समय में वो 10 किलोमीटर कम चलता है, ठीक है, मतलब पहले स्थिति और दूसरी स्थिति में जो स्पीड है उनका डिफरेंस 10 किलोमीटर है, इसी हिसाब से हम यहाँ पे काम किया है। तो इसका मतलब हुआ 15 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट होगा, 150 किलोमीटर के, जो कि उसका इनिशियल डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 30 आवर्स। तो बाई फॉर्मूला का स्पीड बराबर वर्क बाई टाइम से, सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम से हम ये फाइंड कर लेंगे कि ये इसका स्पीड कितना है। तो ये डिस्टेंस कितना चलता है, 150 किलोमीटर 30 घंटे में, इसको कैंसिल करेंगे, मतलब 5 किलोमीटर बराबर इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इस वस्तु को 100 रुपये कम में खरीदा होता तथा 100 रुपये कम में बेचा होता
तो उसका लाभ 4% अधिक होता उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन को क्यू करेक्ट प्रश्न बनाएंगे, काफी अच्छा प्रश्न बनाएंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। सीपी है फिर एसपी है, यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है। पहले स्थिति में उसे 20% का लाभ होता है और दूसरी स्थिति में उसको 4% लाभ अधिक होता है, मतलब 24% का लाभ होता है। इसको सिंपली एस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25 और ये होने वाला है 30। ये 25 और ये आई थिंक 31, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर वो सीपी में 100 रुपये की कमी कर दे और एसपी में भी 100 रुपये की कमी कर दे, मतलब सीपी और एसपी दोनों में 100 रुपये की कमी कर दे, तब उनको 4% अधिक लाभ होता है। तो अगर दोनों तरफ अगर 100 रुपये की कमी हो रही है तो यहाँ भी इनके रेशियो का जो डिफरेंस है वो भी समान होना चाहिए, लेकिन एक तरफ 0 आ रहा है एक तरफ 1 आ रहा है। ऐसे कंडीशन में हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए एक तरीका है, क्या रेशियो को कैसे बैलेंस किया जाए। अगर हम इस रेशियो को बैलेंस किया जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम स्थिति जो सिचुएशन हम खोज रहे हैं वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो अब ध्यान से देखें कि हम दो रेशियोज को आपस में बैलेंस कैसे करते हैं। पहले पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इनका डिफरेंस निकालेंगे जो कि 6 है और इनका भी डिफरेंस निकालेंगे जो कि 5 है। इस 5 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और इस 6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को कहीं अलग लिखेंगे और पहले वाले को भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा 150 और ये होगा 180, फिर ये होगा 125 और ये होगा 155। अब देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, इधर 25 है, क्लियर, और यहाँ भी 25 ही है। ठीक है, और ये 25 यूनिट कितने के इक्विवेलेंट है, दोनों तरफ 100 रुपये की कमी की जाती है, मतलब 100 की इक्विवेलेंट है। तो 1 यूनिट इक्विवेलेंट होगा 100/25 के, और इसका इनिशियल सीपी कितना है, 150 रुपये उसका यूनिट है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू रुपीज में होगा 100/25 × 150 जो कि होगा 150×4 = 600 रुपीज। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब एक रेलगाड़ी रवाना होती है तो उसमें 240 यात्री हैं। प्रथम स्टेशन पर उसमें से 12 यात्री उतर जाते हैं एवं 22 यात्री चढ़ जाते हैं। दूसरे स्टेशन पर गाड़ी में बैठे 20% यात्री उतर जाते हैं तथा तीसरे स्टेशन पर 32 यात्री रेलगाड़ी में चढ़ते हैं तथा कुछ यात्री उतर जाते हैं तीसरे स्टेशन पे जिसका हमें गिवन वैल्यू नहीं है, तथा 80% यात्री अब भी अगर रेलगाड़ी में है तो तीसरे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या निर्धारित करें। जो वैल्यू हमें नहीं गिवन है वही वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करना है। टोटल कितना है, 240 यात्री हैं, क्लियर। पहले स्टेशन की बात करेंगे, 12 यात्री उतर जाते हैं तो यहाँ बच जाएंगे 228। ये पहले स्टेशन की बात की जा रही है और यहाँ पे 22 चढ़ेंगे भी तो ये होने वाला कितना है, 250। ठीक है, ये टोटल बात पहले स्टेशन पर की गई है। अब ये ठीक है, दूसरे स्टेशन पर गाड़ी में बैठे 20% यात्री उतर जाते हैं, यहाँ पे 20% उतरेंगे, मतलब 1/5 उतरेंगे। 1/5 इसका कितना होगा,
50 होगा, ठीक है, तो 200 बच जाएंगे, तथा तीसरे स्टेशन पर 32 चढ़ते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 232, तथा कुछ यात्री उतर जाते हैं, तब कितना बचेगा उतरने के बाद 232 माइनस x, ये फाइनली इतना बचता है। और कहा जा रहा है जो इतना है वह टोटल का पहले था उसका 80/100 है। इसी क्वेश्चन से हम काम करेंगे, 240 का 80/100 बराबर 232 माइनस एक्स, क्लियर, कैंसिल करेंगे 4 और ये 5, तो सिंपली आने वाला है 48 × 4 इज इक्वल टू 232 माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 8×32 और 4×16 17×18 19 192, ठीक है, माइनस में और प्लस में होगा 232, तो 232 में से 192 को घटाएंगे तो आएगा 0, और यहाँ पे आने वाला है 9×4 13, ठीक है, 40, मतलब x का वैल्यू 40 होगा, मतलब 40 यात्री तीसरे स्टेशन पर उतरते हैं, यही 40 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले हैं, यदि कुल 180,000 मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। गिवन है टोटल वोटर्स इज इक्वल टू 1,80,000, जिसका कि 10% अवैध होता है तो 90% वैलिड होगा, जो कि होने वाला है 1,62,000 के। अब इस 1,62,000 जो इतना वोट्स हैं उसमें से 80% मिलते हो पहले वाले को, तो ऑब्वियसली दूसरे वालों को 20% मिलेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होने वाला है 00423, जो कि है 25,400 वोट्स, तो दूसरे उम्मीदवार को 32,400 वोट्स मिलेंगे। इजी लेवल का क्वेश्चन था, तो आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, और बाकी अगले क्वेश्चन में अगले सेशन में और क्वेश्चन को इंक्लूड किए जाएंगे, तो इस चैनल पे बने रहें। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक अवश्य करें, जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछें, और इस वीडियोज को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।